हाय व्यूवर्स, आप प्रेसिडेंट ग्रुप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और ये डीएचए का मोस्ट ब्यूटीफुल और प्राइम लोकेशन, डीएचए की टॉप लोकेशन पे 10 मरले का मॉडर्न डिजाइनर हाउस है और इसको बहुत ही लग्जरियस फिनिशिंग के साथ डिजाइन किया गया है। ये एक्सटर्नल लॉन जिसमें आपको प्लांटिंग नजर आती है और ये इसका कार रैंप, इस पे आपको टाइल फ्लोरिंग मिलती है। सामने को मेन गेट ब्लैक कलर में इसको डिजाइन किया गया है और इस घर का गैराज जिसमें आपको बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग मिलती है। वॉल को लैंडस्केपिंग से डिज़ाइन किया गया है। गेट का बैक व्यू और इसमें आपको टाइल फ्लोरिंग मिलती है। दो बड़ी गाड़ियां इजीली पार्क हो सकती हैं। सीलिंग का डिसेंट डिज़ाइन, वॉल को डिज़ाइन किया गया है टाइल के साथ, इसमें आपको एक पोर्ट्रेट भी मिलती है और इस साइड पे आपको नेश नज़र आती है, इसको भी डिज़ाइन किया गया, उसमें लाइट्स नज़र आती हैं। और ये इसका इंटरनल लॉन, इसमें आपको प्लांटिंग नज़र आ रही है। ये घर रिसेंटली अभी ही इसका बिल्कुल तैयार हुआ है और ये घर डीएचए की टॉप लोकेशन पर है। एंट्रेंस स्टेप पे ग्रेनाइट फ्लोरिंग की गई है और लॉबी में आपको टाइल फ्लोरिंग नज़र आती है, डिसेंट कलर की टाइल फ्लोरिंग। सामने डाइनिंग रूम और इस साइड पे ड्राइंग रूम मिलता है इंटरनल लॉन के बिल्कुल सामने, और डाइनिंग रूम के साथ में यहाँ सामने लॉबी में आपको टीवी लॉन्ज नज़र आता है। और इस साइड पे अपस्टेयर्स ये डबल हाइट लॉबी है, यहाँ पे आपको लॉबी में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग मिलती है। मोज़ेक का काम किया हुआ है, शैंडलियर ड्रॉप किया हुआ है और ये ग्राउंड फ्लोर की लॉबी पे भी आपको एक शैंडलियर ड्रॉप किया हुआ मिलता है। बहुत ही खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग। स्टेयर स्टेप पे आपको ग्रेनाइट की फ्लोरिंग मिलती है और यहाँ पे वॉल को डिज़ाइन किया गया है वुडन पैनल के साथ। स्टेयर के नीचे एंट्रेंस में लेफ्ट राइट साइड पे आपको पाउडर रूम मिलता है, स्टार्ट में वैनिटी, उसके ऊपर मिरर और ये पूरा टाइल से कवर किया हुआ है। वो कमोड दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है इसका डिसेंट डिज़ाइन। और लॉबी में आपको टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है। अब देखते हैं ड्राइंग रूम, इंटर रूम तो राइट साइड पे आपको ड्राइंग रूम मिलता है। बहुत ही अच्छी इसकी डिज़ाइनिंग की गई है, डबल ग्लेज सॉरी इसमें आपको विंडो नज़र आती है और सामने वॉल को डिज़ाइन किया गया है वॉलपेपर के साथ। सीलिंग का डिसेंट डिज़ाइन, वुडन टेक्सचर भी आपको मिलता है देखने को, और ये वॉल भी वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन की गई है पोर्ट्रेट। और इस साइड पे आपको फायरप्लेस मिलती है, इम्पोर्टेड लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग की गई है और इसके सामने आपको मिलता है देखने को डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम वॉल को डिज़ाइन किया गया है वॉलपेपर ग्लास की डिज़ाइनिंग के साथ, ये वॉल भी वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन की गई है और सीलिंग भी डिज़ाइन की गई है, सीलिंग फैन इंस्टॉल किया हुआ है। और ये इसका डोर एंट्रेंस से और टीवी लॉन्च से कनेक्टेड है। और अब देखते हैं सामने टीवी लॉन्च। टीवी लॉन्च में वाइट बहुत ही डिसेंट आपको टाइल फ्लोरिंग देखने को मिलती है। सामने मल्टीमीडिया वॉल को डिज़ाइन किया गया है और स्टार्ट की वॉल को भी वुडन पैनल और ग्लास के साथ डिज़ाइन किया गया है। पैसेजेस वॉल में आपको डबल ग्लेज विंडो मिलती है और उसके साथ में लैंडस्केपिंग दी गई है पैसेजेस वॉल में। मल्टीमीडिया वॉल बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की गई वॉलपेपर और वुडन के साथ, सीलिंग का डिसेंट डिज़ाइन। और सामने आपको वॉल में डिज़ाइनिंग मिलती है मार्बल के साथ डिज़ाइन की गई है लाइट्स, और यहाँ पे फोर साइड ग्लास के साथ नेश का बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है। इसके सामने आपको ग्राउंड फ्लोर पे एक मास्टर बेडरूम मिलता है, लेकिन उससे पहले विज़िट करते हैं किचन।
इंपोर्टेड ब्रांडेड किचन, इंपोर्टेड स्पेनिश स्टाइल फ्लोरिंग की गई है। ये किचन का टॉप है, ग्रेनाइट फिक्स किया गया है टॉप पे। यहाँ पे आपको टैब मिलता है वॉशिंग के लिए और विंडो वेंटिलेशन के लिए। इस साइड पे आपको कुकिंग रेंज मिलती है, उसके ऊपर टॉप और स्टोरेज के लिए टॉप पे कैबिनेट मिलती हैं और इस साइड पे भी स्टोरेज के लिए कैबिनेट दी गई हैं। यहाँ पे फ्रिज की स्पेस दी गई है। किचन बहुत ही अच्छे डिज़ाइन का ग्रे कलर में इसको डिज़ाइन किया गया है और ये एक डोर है जो पैसेजेस वॉल में ओपन होता है। ग्राउंड फ्लोर पे अच्छे साइज का किचन आपको मिलता है और इसके साथ ही आप चलते हैं देखते हैं मास्टर बेडरूम। अगेन टीवी लाउंज में, टीवी लाउंज के बाद आप देखते हैं इस घर का ग्राउंड फ्लोर पे मास्टर बेडरूम। इसको भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। बेड वॉल को डिज़ाइन किया गया है वेलवेट के साथ, ग्लास के फ्रेम इसमें फिक्स किया गया है, वॉल लाइट्स दी गई हैं। बहुत ही अच्छा है इसका बेड वॉल का डिज़ाइन। उसके बाद सीलिंग बहुत ही डिसेंट डिज़ाइन सीलिंग का भी, और सामने विंडो पैसेजेस वॉल में आपको लैंडस्केपिंग मिलती है। सामने मल्टीमीडिया वॉल को भी डिज़ाइन किया गया है वॉलपेपर के साथ। और अब देखते हैं बाथरूम, इसमें आपको टाइल फ्लोरिंग मिलती है और सामने आपको वैनिटी मिलती है, आईएमसी की वैनिटी और कोरियन के टॉप पे इसको फिक्स किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। बैक साइड पे आपको टाइल का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन मिलता है, मिरर इंस्टॉल किया हुआ है। और इस साइड पे आपको टॉप तक कैबिनेट मिलते हैं, वार्डरोब सीलिंग का डिसेंट डिज़ाइन, सीलिंग फैन इंस्टॉल किया हुआ आपको नज़र आ रहा है। और ये बाथरूम का सेपरेट हिस्सा, इसमें एक साइड पे आपको शावर मिलता है, शावर एरिया, और इसमें आपको एक्सेसरीज मिलती हैं ग्रोही की। ऊपर टॉप में आपको शावर मिलता है, सीलिंग का डिसेंट डिज़ाइन। और यहाँ पे आपको साइन लाइट की ऑप्शन भी दी है, बहुत ही अच्छा इसको डिज़ाइन किया गया है। वॉल माउंटेड कमोड, इंपोर्टेड एक्सेसरीज के साथ। ये इस घर का अटैच बाथरूम, मास्टर बेडरूम का ये फोर बेडरूम हाउस है और इसमें ग्राउंड फ्लोर पे आपको ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, टीवी लॉन्ज और पाउडर रूम मिलता है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, एंट्रेंस लॉबी। स्टेप्स पे आपको ग्रेनाइट फ्लोरिंग देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन। वॉल पे आपको मार्बल देखने को मिलता है और यहाँ आपको मोज़ेक का बहुत ही खूबसूरत काम नज़र आता है। और ये डबल हाइट लॉबी का फुल व्यू, स्टेयर स्टेप पे ग्रेनाइट और साथ में स्टील की रेलिंग दी गई है। और अब फर्स्ट फ्लोर लॉबी में आपको टाइल फ्लोरिंग मिलती है, सामने वॉल को डिज़ाइन किया गया है। फर्स्ट फ्लोर की लॉबी, इस साइड पे स्टेयर शैंडलियर ड्रॉप किया हुआ आपको नज़र आता है। लॉबी बहुत ही अच्छे साइज में दी गई है और यहाँ पे आपको किचन नज़र आता है और उसके बैक साइड पे आपको नज़र आती है लॉन्ड्री। और ये फर्स्ट फ्लोर की लॉबी, मेरे बैक साइड पे दो बेडरूम दिए गए हैं, एक राइट साइड पे और एक मेरे बैक साइड पे। और सामने राइट साइड पे आपको सेंट्रल ओपन टेरेस पैशियो देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है वॉल को और लैंडस्केपिंग की गई है। फायर प्लेसेस में आपको नज़र आती है। और ये सामने फ्रंट पे गेस्ट बेडरूम, जिसकी फ्लोरिंग लेमिनेटेड वुडन फ्लोर है, बहुत ही डिसेंट कलर में। सामने बेड वॉल को डिज़ाइन किया गया है वॉलपेपर के साथ और इसमें आपको बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग मिलती है, वॉल लाइट्स नज़र आती हैं।
ये मल्टीमीडिया वॉल है, इसको भी वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन किया गया बहुत ही खूबसूरती से, और सामने आपको वॉक इन क्लोजेट मिलती हैं बेडरूम में, और सीलिंग का डिसेंट डिज़ाइन, और फ्रंट पे वेंटिलेशन के लिए आपको एक विंडो मिलती है बहुत ही खूबसूरत। इस बेडरूम को डिज़ाइन किया गया है, इसके साथ ही इसका अटैच बाथरूम, टाइल फ्लोरिंग, साथ में कमोड, और वॉल पे टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है, सीलिंग का भी डिसेंट डिज़ाइन, और इसके बाद वैनिटी के ऊपर मिरर, आईसीएम की वैनिटी, कोरियन के टॉप के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है, और इस साइड पे आपको मिलता है शावर कैबिन, इसको भी टाइल से डिज़ाइन किया गया बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। फ्रंट टेरेस बहुत ही स्पेशियस, और इसमें आपको प्लांटिंग मिलती है। अब चलते हैं ये गेस्ट बेडरूम से होते हुए अगेन हम आ गए हैं लॉबी में। राइट साइड पे आपको स्टेयर्स मिलती हैं, और लेफ्ट साइड पे सेंट्रल टेरेस, और लॉबी में ही आपको राइट साइड पे किचन मिलता है, उसके बैक साइड पे लॉन्ड्री, और सामने बेडरूम, उसके बाद यहाँ पे एक बेडरूम आपको मिलता है बहुत ही खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है, बेड वॉल को डिज़ाइन किया गया वॉलपेपर के साथ, और इसमें आपको ग्लास का फ्रेम नज़र आता है, इसके ऊपर सीलिंग का डिसेंट डिज़ाइन, इस साइड पे आपको वॉक इन क्लोजेट मिलती है बेडरूम में, और यहाँ पे आपको मिलती है विंडो जो ओपन होती है, एक्सेस देती है आपको सेंट्रल टेरेस में। ये इस घर का तीसरा बेडरूम, यहाँ पे आपको एक डोर मिलता है, बैक साइड पे आपको एक बैल्कनी मिलती है, अटैच बाथरूम जिसमें आपको टाइल फ्लोरिंग मिलती है, और सामने वैनिटी बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन की हुई, मिरर फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे आपको विंडो मिलती है, और सीलिंग का डिसेंट डिज़ाइन, इसमें आपको एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया हुआ नज़र आता है, टैल को बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग दी गई है, यहाँ पे आपको कमोड मिलता है, और शावर कैबल ग्लास के साथ, और इसको सिंपल डिज़ाइन किया गया है, और ये इस घर का थर्ड बेडरूम। अब देखते हैं फोर्थ बेडरूम, इस बेडरूम के साथ बिल्कुल अटैच है लॉबी से होते हुए, यहाँ पे बैक साइड पे आपको फोर्थ बेडरूम मिलता है, इसमें आपको वॉक इन क्लोजेट टॉप तक दी गई है बेडरूम में, सीलिंग का डिसेंट डिज़ाइन, और यहाँ पे आपको मिलती है मल्टीमीडिया वॉल, इसको भी डिज़ाइन किया गया है सेम वॉल पेपर और वाइट कलर के पेंट के साथ, विंडो दी गई है, और साइड पे आपको मल्टीमीडिया वॉल डिज़ाइन की मिलती है, लाइट्स, कैबिनेट, और इसके साथ ही आप देखते हैं अटैच बाथरूम, टाइल फ्लोरिंग, सामने आपको वैनिटी मिलती है गैलेक्सी ग्रेनाइट का टॉप, और उसके ऊपर बहुत खूबसूरत वैनिटी, यहाँ पे आपको मिलता है कमोड, उसके बैक साइड पे टाइल का फ्रेम, शावर एरिया, यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत फ्रेम में मिरर और वैनिटी को डिज़ाइन किया गया है, विंडो दी गई है। तो ये इस घर का ये 10 मरला मॉडर्न डिज़ाइनर हाउस, इसकी आस्किंग प्राइस 5,25,00,000 है। ये 4 बेडरूम हाउस है, और ये DHA की टॉप लोकेशन फेज़ 5 में लोकेटेड है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द ही एक नए घर के टूर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।